देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। 15 जनवरी का दिन भारत के लिए अहम दिन होता है। इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 15 जनवरी भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन होता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर देश थल सेना की वीरता, उनके शौर्य और कुर्बानियों को याद करता है। लेकिन सवाल यह है कि 15 जनवरी को ही भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? ये दिन भारतीय सेना और भारत के इतिहास के लिए खास कैसे है? दरअसल भारतीय सेना दिवस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि कौन है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। आपको बता दें कि के.एम. करियप्पा का जन्म सन 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। ब्रिटेन से भारत की आजादी के ठीक बाद कश्मीर में घुसपैठ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य तनाव उत्पन्न हुआ था, तब करियप्पा ने पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व किया था। देश के बंटवारे के समय दोनों पक्षों में सैन्य बंटवारा भी हुआ था, जिसमें भी के.एम. करियप्पा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 1953 में वह सेना से रिटायर हो गए थे। और आइए अब जानते हैं कि 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है सेना दिवस। आपको बता दें कि भारत में हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। साल 1942 में पहले भारतीय सैन्य अफसरों को एक यूनिट कमांड करने का मौका मिला था, जबकि 15 जनवरी सन 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस ब्रूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रांसिस ब्रूचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। उसी समय से 15 जनवरी को सेना दिवस अर्थात आर्मी डे मनाया जाता है। और आइए अब जानते हैं भारतीय सेना दिवस पर महिला नेतृत्व के बारे में। आपको बता दें कि यह इतिहास में पहली बार होगा कि कोई महिला अधिकारी सेना दिवस परेड में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी 144 पुरुष अधिकारियों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। भारतीय सेना ने सेना दिवस 2019 के अवसर पर पेंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियो मेकिंग और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था। विजेताओं की प्रस्तुति को भारतीय सेना के फेसबुक पेज पर प्रदर्शित किया गया था और उन्हें पुरस्कार राशि से भी सम्मानित किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार पैरा कमांडो डिजिटल पैटर्न की नई कॉम्बैट ड्रेस में परेड में दिखेंगे। परेड के आखिर में कॉम्बैट प्रदर्शन दिखेगा। इसमें 75 वर्षों की भारतीय सेना की गौरव यात्रा आधारित एक फिल्म भारतीय सेना भविष्य के लिए प्रयासरत भी दिखाई जा रही है। इस फिल्म की पटकथा कर्नल जे.के. सिंह ने लिखी है। इसमें आवाज भी कर्नल की ही है। दूसरी आवाज सुप्रसिद्ध शम्मी नारंग की है। यह समस्त झारखंड के लिए गौरव की बात है कि झारखंड पुलिस की आवाज दिल्ली में गूंजेगी। कर्नल जे.के. सिंह धनबाद के झाड़ूडी के रहने वाले हैं। और आइए अब जान लेते हैं भारतीय सेना दिवस का इतिहास क्या है। आपको बताते चलें कि लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन की गुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीय स्वतंत्रता के समय देश सांप्रदायिक दंगों का सामना कर रहा था और पाकिस्तान से शरणार्थी आ रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान की ओर पलायन कर रहे थे। इस अराजक वातावरण के कारण कई प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा ताकि विभाजन के दौरान शांति बनी रहे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बूचर के हाथों में थी, इसीलिए देश का पूरा नियंत्रण भारतीयों के हाथों में सौंपने का यह सही समय था। इसीलिए फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 15 जनवरी सन 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। यह अवसर भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए भारत की तत्कालीन सरकार ने हर साल इस भव्य दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
तो आपको इस सेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं क्या प्रेषित करनी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।